बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेराजुद्दीन शेख, लोक जनशक्ति पार्टी। आज मुझे कुछ एमएलए की नॉमिनेशन करनी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो इसमें मुझे उड़ी के लिए खुर्शीद अहमद मीर साहब उठाने हैं और टंगमर्ग से मोहम्मद सादिक बेग चिंदूसा। तो बारामूला के लिए मैं खुद, सोपोर के लिए मेराजुद्दीन। तो मैं आज इनकी नॉमिनेशन करता हूँ। तो ये इन इलाकों में एमएलए के लिए लड़ेंगे। अच्छा, मेराजुद्दीन शेख साहब, ये बताइए मुझे, अभी आपने जो नॉमिनेशन की है जी, ये लोग आपकी पार्टी की तरफ से है, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जी, इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जी जी जी। तो आवाम के लिए आपके क्या राय है, क्या करेंगे आप आवाम के लिए? आवाम की खिदमत के लिए हम निकले हैं। हमको जब आवाम को कोई मसला होगा, कोई काम, कोई भी काम होगा, हम जनाब करने के लिए तैयार हैं। जब हमें आवाम सपोर्ट करेगी तो हमें ताकत आएगी, तो हम उनके लिए तैयार हैं। क्योंकि पहले तो हमें आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब सपोर्ट होगा तब हम कुछ कर सकते हैं, जब सपोर्ट नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं? जब हम सपोर्ट होगा तब कर सकते हैं। अच्छा, इस बारे में आप आवाम से मिले? कई जगह आपने कुछ किया है, कोई दौरा किया है? हाँ जी, किया है जी। क्या, तो क्या लगा आपको, आवाम क्या चाहती है आज का? आवाम चाहती है, हमारी जो भी आज तक कोई भी हुकूमत आई तो हमारा कोई काम नहीं हुआ जी। जबकि हमारे बहुत सारे मिनिस्टर आए, खाली वोट मांगने आते हैं। हम कुछ डिमांड करते हैं, हमें कुछ, हमारे पास पहुँचता नहीं है जी। तो कुछ फंड से आते हैं गरीबों के लिए, गरीबों तक नहीं पहुँचता है, इसलिए वो पैसा मिसयूज होता है। तो कितने कैंडिडेट आप उठा रहे हैं इस इलेक्शन में? मैं अभी तो फिलहाल 5 उठा रहा हूँ जी। कहाँ कहाँ से? ये टंगमर्ग से उठ रहा है, हाँ, उड़ी से उठ रहा है जी, बारामूला, रफियाबाद और सोपोर। तो बारामूला से इलेक्शन कौन लड़ेगा, आप खुद लड़ेंगे? बारामूला में खुद लड़ूंगा। अच्छा, बारामूला से आप खुद हैं जी जी। अच्छा, सोपोर के लिए जो आपने नॉमिनेशन किया है जी, सोपोर के लिए मेराजुद्दीन है। अच्छा जी, तो जैसा मैंने अभी कहा है जी, उड़ी के लिए है खुर्शीद अहमद मीर। अच्छा, आपके पार्टी हाईकमान की तरफ से क्या संदेश है? हाईकमान की तरफ से यही संदेश है कि आप काम करो, हम साथ हैं आपके जी जी। हाईकमान की कोशिश यही रहेगी कि हम जो मुतालबे होंगे, कोई काम होगा गरीबों के लिए, वो किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।